हेलो फ्रेंड्स, एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा कोई स्टॉक चाहिए जो हमारे बाय करने के बाद ऊपर जाए, ऑफ कोर्स फॉर प्रॉफिट्स, करेक्ट है। लेकिन स्टॉक चूज करने के, इन्वेस्टमेंट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। या तो आप पहले स्टॉक चूज करो और स्टॉक अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके बाद वो स्टॉक कौन से सेक्टर में बिलोंग करता है वो सेक्टर का आप ट्रेंड्स देख लो। तो अगर स्टॉक परफॉर्मर है और उसका जो सेक्टर जो है ओवरऑल अगर वो भी परफॉर्मर है तो प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस को ऊपर जाने में आसानी होगी, करेक्ट और नॉट? सो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले सेक्टर एनालाइज कर लीजिए। अगर जो भी सनराइज सेक्टर्स है जिसमें जो सेक्टर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है वो सेक्टर आप चूज करके उसमें से कुछ अच्छे से स्टॉक्स चूज कर दीजिए। यस, सो माय फ्रेंड्स, आज जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे ये आज हम यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस करेंगे। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी फिलहाल बुलिश ट्रेंड में है और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जो बहुत ही बॉटम में आ चुका है और यहाँ से टर्न अराउंड के चांसेस है, तो ये एनालाइज हम लोग कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो यहाँ पे मैंने चार्ट प्लॉट करके रखा है और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सेक्टर इंडाइसेस सारे हैं, वॉच लिस्ट बना के रखी रखी है। वन बाय वन ये सारे सेक्टर्स हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर यहाँ पे बहुत ही हाई है, 34,495 का लेवल है। अभी ये हाई है कि लो है इसको पता कैसे करेंगे? तो हम लोग रिलेटिवली हाई है या लो है उसको हमको देखना है। तो वो देखने के लिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। या बॉलिंजर बैंड्स जो है वो मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने इनवाइट किया था। बहुत ही बड़ी तगड़ी बुक लिखी है बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर नाम की। सो ये बैंड्स होता क्या है? ये बैंड्स में बेसिकली ये एक सेंटर लाइन होती है जो कि एक मीडियन लाइन होती है और उसके टू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऊपर और टू स्टैंडर्ड डेविएशंस नीचे में और एक प्लॉट किया जाता है, तो हमको एक बेसिक चैनल मिल जाती है। सो बेसिक चैनल में एनालाइज करने के लिए एकदम से सिंपल है। अगर कोई भी स्टॉक हमको लोअर बैंड के आसपास मिलती है और वहां से टर्न अराउंड होता है तो हमको बाउंस बैक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्ट बैक टू इट्स मीन का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट में बॉलिंजर बैंड में कैसे एनालाइज करते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर लोअर बॉलिंजर बैंड पे आ जाता है और वहां पे कोई बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है तो वहां से चांसेस है कि वो ऊपर चला जाए। अगर देखिए यहाँ पे लोअर बैंड में आ गया है और अगर यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल मिला तो वहां से वहां पे हमको एक अप ट्रेंड मिलता है, लोअर बैंड के आसपास आता है और वहां से हम लोग अगर खरीदते हैं तो हमको प्राइस में बेटर मूवमेंट मिलती है। सो हमारी कोशिश ऐसे ही होगी कि बॉलिंजर बैंड में कौन से कंपनीज जो है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास है और उसमें मोमेंटम है कि नहीं है वो देखने के लिए हमारा सबसे प्यारा मोमेंटम इंडिकेटर जो है जिसका नाम है RSI, जो हम लोग नीचे प्लॉट करेंगे। ऑलराइट, तो मोमेंटम अगर 40 से लेकर के ऊपर जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉसओवर आता है और प्राइस लोअर बैंड के पास है तो इट इज अ वेरी गुड कंडीशन फॉर अस टू बाई एंड एंटर इन टू द सेक्टर। ओके, सो ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर जो है वो अभी फिलहाल अपर बैंड के आसपास आ रहा है डेली चार्ट। ऑलराइट, और मोमेंटम आप जो देख रहे हो वो अभी भी बुलिश है, तो हो सकता है डेली चार्ट के हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है ये सेक्टर इसमें और भी ऊपर तेजी आ सकती है। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए एक बार हम लोग हायर टाइम फ्रेम चार्ट पर भी जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? हायर टाइम फ्रेम में भी देखो प्राइस जो है वो है अपर बॉलिंजर बैंड पे और जो मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो अभी भी बुलिश साइड से 50 के ऊपर है तो वो बुलिश की रेंज में है। सो प्रॉब्लम नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज वन सेक्टर विच इज लुकिंग गुड। ऑलराइट, फिर दूसरा जो हम लोग देखेंगे मीडिया। मीडिया में क्या हुआ है माय फ्रेंड्स? मीडिया में आप डे अगर वीकली चार्ट देखे तो मैंने अभी जैसे बताया कि मीडिया में वीकली चार्ट पे प्राइजेस है अराउंड लोअर बॉलिंजर बैंड और RSI ने
एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। सो मीडिया में एज पर द वीकली चार्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से 1910 के लेवल से एक बार 2000 के लेवल तक तो आ सकता है। सो मीडिया एक स्टॉक जो एक सेक्टर जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑलरेडी ऊपर चला गया है, मीडिया अभी और ऊपर जाने में और भी बहुत सारी जगह बाकी है। सो मीडिया इज वन थिंग दैट वी विल लुक फॉर। फिर हम लोग देखते हैं फार्मा का इंडेक्स। फार्मा का वीकली चार्ट, वीकली इंडेक्स क्या बोल रहा है कि फार्मा जो है ना वो एकदम से ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया था और वहां से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस करेक्शन हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम से ओवरबॉट हो गया था और ओवरबॉट से अभी फिलहाल थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे से देखो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लैग पैटर्न। फ्लैग इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये फ्लैग काम कैसे करता है, तो फ्लैग में आप देखो कि एक पहले तो पोल होता है और पोल के बाद, पोल एक बड़ा सा मूव अप आने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, और अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो जितना भी ये पोल लेंथ है उतना ही प्राइजेस ऊपर जाता है। सो सिमिलरली यहाँ पे अराउंड 2000 सितंबर 2023 में ये फ्लैग बना था ये सेक्टर में, और अभी वापस एक बार ऊपर गया और अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। सो अगर फार्मा इंडेक्स अगर नए लेवल पे आता है और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव रहता है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू बी अ लिटिल बिट मोर बुलिश। ओके, सो ये फ्लैग पैटर्न ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन है। सो अभी फिलहाल ये नेक्स्ट वीक में एंट्री मारने के लिए हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, कंफर्मेशन पैटर्न कंप्लीट होने की कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट रियल्टी सेक्टर। रियल्टी का वीकली चार्ट क्या बोलता है, सिमिलरली फार्मा की तरह ही ये एकदम से ओवरबॉट में चला गया था कुछ टाइम पहले और यहाँ पे अभी एक हल्का सा अपवर्ड बायस मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहा है। अगर आप टोटल चीज अगर आप देखिए मीडिया, मीडिया के सेक्टर में, आई एम सॉरी रियलिटी के सेक्टर में अगर आप टोटल चीज आप अगर देखते हो, सो एक अच्छा सा यहाँ पे राउंडिंग सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न बन करके रियलिटी इंडेक्स जो है वो एकदम से बुलिश दिखाई दे रहा है। सो रियलिटी सेक्टर इज स्टिल समथिंग के अगर आपने ऑलरेडी एंटर मार चुके हो तो उसको पकड़े रहना चाहिए। दिस इज वॉट हम लोग ये चार्ट देख करके समझ सकते हैं। ओवरऑल एकदम से ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया है, तो अगर रियल्टी में अगर कोई भी डिप आता है, रियल्टी इंडेक्स में कहीं पे भी एक डिप आता है या साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, देन वी विल लुक टू सी कि उसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो अभी तक हम लोग ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया, फार्मा और रियल्टी में देखा था ये चार में से। फिलहाल तो मुझे मीडिया का जो चार्ट जो है इंडेक्स का वो ये चारों में से बेटर आया। लेट्स सी पीएसई इंडेक्स क्या बोलता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तो आप, देर इज अ नो ब्रेनर कि वो एकदम से पॉजिटिव चला गया है। देखिए मंथली चार्ट एकदम से पॉजिटिव चला गया है और मोमेंटम जो है वो एकदम से बुलिश हो गया है, एकदम से ओवरबॉट लेवल्स में हो चुका है। करेक्ट, सो वी विल एक्सपेक्ट दिस ऑल्सो टू स्लो डाउन। तो फ्रेश एंट्री ये लेवल पे बहुत ही रिस्की हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर में मंथली चार्ट में थोड़ा डेटा इनसफिशिएंट है, वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक काइंड ऑफ अ फ्लैग जैसा दिखाई दे रहा है। सो अगर यहाँ से 12,140 लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है नेक्स्ट वीक तो हम देखेंगे कि इसमें एंट्री मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए। सो बेसिकली फार्मा और हेल्थ केयर का जो इंडेक्स आप देखोगे तो वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। करेक्ट, अगला सेक्टर देखते हैं ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस में भी करंटली बहुत ही बड़ी तेजी हम लोग ने देख चुके हैं वीकली चार्ट पे, और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ पेनेंट फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो अगेन बेस्ड समथिंग लाइक अ फ्लैग, एक पेनेंट करके और एक पैटर्न है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सो इसके मुताबिक वी हैव टू वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस लेवल जो है ना उसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा।
और अगर ब्रेकआउट आता है तो वी कैन रिमेन बुलिश इन ऑयल एंड गैस। ओके, फिर आता है हमारा सीपी इंडेक्स, सीपीएसई इंडेक्स। ओके, मोस्टली सारे एनर्जी के ही स्टॉक्स है, तो वो तो कंप्लीटली बुलिश दिखाई दे रहा है अभी। ऑलराइट, सो सिमिलरली एक डाउन ट्रेंड तो आया था लेकिन फिर वापस पकड़ लिया है। ट्रेंड जो है वो अभी भी, मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है, सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरबॉट है तो मुझे यहाँ पे फ्रेश एंट्री मारने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। लेट्स लुक एट आईटी इंडेक्स माय फ्रेंड्स। अगर आईटी इंडेक्स आप देखो तो ये आईटी इंडेक्स ऐसा है कि पिछले 2 साल में कोविड के बाद ये सेक्टर जो है वो एकदम से राइज हो चुका था, और वो 1 साल में राइज होने के बाद वो एकदम से कंसोलिडेशन फेज पे चला गया, और कंसोलिडेशन फेज पे होने के बाद और थोड़ा सा करेक्शन आ गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक कप जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक कप है और ये उसका हैंडल है। सो कप एंड हैंडल इज अ बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो ये पैटर्न क्या बोलता है, ये पैटर्न वही बोलता है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये जो पुरानी जो ट्रेंड जो थी, दिस प्रीवियस ट्रेंड जो है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अपवर्ड्स। सो आईटी एक ऐसा सनराइज सेक्टर चार्ट्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर उसमें मोमेंटम पकड़ा तो यहां से एक बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है। सो अगर मार्केट में नया तेजी आता है तो उसमें पार्टिसिपेटिंग सेक्टर जो है ये आईटी इंडेक्स रहेगा। ओके, और बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी अभी देखिए वीकली चार्ट पे कहां पे है, वीकली चार्ट पे लोअर बॉलिंजर बैंड के पास है, और जो मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं काइंड ऑफ अ रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से हल्का सा भी अप मूव आता है तो आरएसआई जो है वो मोमेंटम पकड़ेगा, और जैसे ही मोमेंटम पकड़ेगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद वी कैन एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो आईटी के कौन से स्टॉक्स है वो भी हम एक बार देख लेंगे है। लेकिन उसके पहले हम कमोडिटीज के सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज मतलब क्या, मेनली हम लोग जो देखते हैं वो मेटल इंडेक्स होता है कमोडिटीज में, तो कमोडिटीज की जगह पे एक बार हम लोग मेटल इंडेक्स देख लेते हैं। मेटल इंडेक्स का मंथली चार्ट इज एकदम से पॉजिटिव है, बुलिश है, और ट्रेंड भी एकदम से बुलिश है। वीकली वीकली में आप देखो तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड अभी शुरुआत हुई है, मोमेंटम जो है वो अभी अभी स्पीड पकड़ी है। और रिलेटिवली ये एकदम से हाई पे है तो एक एनी डिक्लाइन के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा डिक्लाइन आएगा तो वो डेली चार्ट पे एक बार मेटल इंडेक्स देखते हैं। सो मेटल इंडेक्स अगर एक हल्का सा यहाँ पे डिक्लाइन आता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डिक्लाइन के बाद वो वापस एक बार स्पीड पकड़ सकता है। सो मेटल इंडेक्स इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली एनर्जी का इंडेक्स लेते हैं, एनर्जी का इंडेक्स आप देखो सो एक बड़ी सी मोमेंट आने के बाद काफी महीनों से ये एनर्जी इंडेक्स जो है, पावर इंडेक्स जो है, ये सारा साइडवेज ट्रेंड में चला गया है। लेकिन ये साइडवेज ट्रेंड की वजह से ये एक फ्लैग फॉर्मेशन बन चुका है। सो सिमिलरली फ्लैग में भी वापस वही है कि अगर 40,000 का जो लेवल जो है, अगर वहां से ब्रेकआउट आता है एनर्जी इंडेक्स में, तो ये जो प्रीवियस जो ट्रेंड है वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू कंटिन्यू अपवर्ड्स। सो एनर्जी इंडेक्स इज अगेन लुकिंग वेरी बुलिश। अभी बात करते हैं एफएमसीजी की। तो एफएमसीजी में क्या हो रहा है, एफएमसीजी में मोमेंटम काफी हद तक डिक्लाइन हो गया है, और यहाँ पे अभी मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम होने की शुरुआत हुई है। और माय फ्रेंड्स, मोमेंटम शुरुआत हो गई है और जो इंडेक्स जो है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के पास है। सो यहाँ पे कुछ मिनट पहले हम लोग ने यही वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो वो लोअर बॉलिंजर बैंड के पास आकर के अपवर्ड मोमेंटम शुरुआत होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू कंटिन्यू फर्दर। सो एफएमसीजी इज ऑल्सो एक और एक इंडेक्स जो है, सेक्टर जो है, जिसपे हम लोग फोकस करेंगे।
ऑलराइट, सो अभी तक हम लोग ने कितना किया? एफएमसीजी, मेटल, आईटी इंडेक्स, रियल्टी इंडेक्स और मीडिया, ये पांच जो सेक्टर जो है ये अभी तक थोड़े बहुत पॉजिटिव के साइड में लग रहे हैं। ऑलराइट, अभी एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स भी देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स में आप देखो कि एकदम से बुलिश ही है, ट्रेंड भी जो मोमेंटम भी है वो काइंड ऑफ ओवरबॉट है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी थोड़ा सा आप रह सकते हैं बिकॉज वी हैव अदर सेक्टर्स टू फोकस ऑन। सिमिलरली ऑटो इंडेक्स देखते थे, ऑटो इंडेक्स में भी सिमिलर ही सिचुएशन है जैसे कि इंफ्रा में था कि मोमेंटम जो है वो 80 के ऊपर है, ओवरबॉट लेवल्स पे है और प्राइजेस भी अपर बैंड के पास है, तो वहां पे वो थोड़ा सा टाइम करेक्शन या एकदम से ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या बोलती है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये लेवल पे एकदम से ओवरबॉट हो चुका था और वहां से थोड़ा सा टाइम करेक्शन दे दिया है। अभी टाइम करेक्शन के बाद यहाँ पे जो बन रहा है वो काइंड ऑफ अ फ्लैग जैसा बन रहा है कि मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। देखिए सर, प्राइजेस ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक हल्का सा फ्लैग जैसा दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट पे अगर देखे तो मंथली चार्ट पे दिस इज कंप्लीटली ओवरबॉट, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी थोड़ा सा सावधान लेकर के चल सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर एक बार और यहाँ पे कंफर्मेशन देने देते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर भी थोड़ा सा पॉजिटिव अगर होता है और ब्रेकआउट आता है तो हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। ओके, प्राइवेट बैंक जो है वो अगर आप देखो तो वो एकदम से स्लो पेस पे चल रहा है, साइडवेज टेरिटरी। प्राइवेट बैंक में यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ था और वो गैप अप ओपनिंग के बाद वही लेवल के आसपास मेंटेन करके चल रहा है। मोमेंटम जो है वो न्यूट्रल है, ना ही बुलिश की फेवर में है और ना ही बेरिश की फेवर में है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रहा है। डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे भी वो टुवर्ड्स अपसाइड है। ओके, सो ओवरऑल हम लोग प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा कम पैसा उसमें लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बेसिकली बैंक इंडेक्स लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक की तरह ही चल रहा है, ओवरऑल है तो पॉजिटिव बुलिश की साइड में है लेकिन ट्रेंड जो है आरएसआई जो मोमेंटम जो है वो 50-50 पे चल रहा है, तो ना ही बुलिश की फेवर में ना ही बेरिश की फेवर में है। वीकली चार्ट पे आप देखो तो वो लोअर बैंड, हमको हमको ऐसा चाहिए, हमको यहाँ पे ये ऐसे कंडीशंस चाहिए टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो अभी फिलहाल करंटली ऐसा सिचुएशन है नहीं तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो कौन से सेक्टर इनमें से हमको मिले? हमको मिले मेटल सेक्टर, ऑलराइट, जो फिलहाल बुलिश साइड में ट्रेंड एकदम से मोमेंटम पकड़ रहा है। दूसरा हो गया एनर्जी में, तो अभी भी फ्लैग बन रहा है तो वो अवॉइड करेंगे। सो एक बन गया हमारा एफएमसीजी, एफएमसीजी एक अच्छे से मोमेंटम दिखाना शुरू किया हुआ है। ऑलराइट, सो दीज आर द टू, मेटल, एफएमसीजी, आईटी। ओके, और कौन सा है हमारे पास, और कौन सा देखा हम लोग ने? हेल्थ केयर और फार्मा में तो हम लोग ने फ्लैग देखा तो हम लोग वेट करेंगे। मीडिया हम लोग ने देखा कि मीडिया में भी इस तरीके से लोअर बॉलिंजर बैंड के पास प्राइजेस है और मोमेंटम ने पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है, तो मीडिया इज ऑल्सो समथिंग वन वन दैट वी कैन लुक फॉर। और रियल्टी सेक्टर जो है वो रियल्टी सेक्टर में थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो ये चार सेक्टर जो हम लोग ने देखे। ऑलराइट, मीडिया एक बार रिपीट करता हूं मैं, मीडिया है, दूसरा हो गया हमारे पास आईटी, तीसरा हो गया मेटल और हो गया एफएमसीजी। ओके, तो ये चार सेक्टर जो है मैं मानता हूं कि अगले एक दो हफ्ते में दीज आर द फोर सेक्टर्स दैट वी कैन परफॉर्म। ऑलराइट, ऐसे ही एनालिसिस करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे एंड आई विल बी बैक सून। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बता बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ऑलराइट, और अगर कोई सजेशन है तो काइंडली शेयर इट विद अस। ऑलराइट, सो माय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डेज अहेड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।